शहर अमन कमेटी ने मंगलवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्यायालय के आदेशों का अवहेलना करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। शहर अमन कमेटी ने एसएसपी को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि माननीय न्यायालय में कई वर्षों से मालिकाना हक को लेकर कमेटी का विपक्षी गण आसिफ आजाद एवं उसके साथियों के साथ मुकदमा चल रहा था। दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने इरशाद हुसैन को कमेटी का अध्यक्ष एवं संस्थापक मानते हुए फैसला सुनाया था। न्यायालय द्वारा विपक्षी गण को यह भी हिदायत दी थी कि किसी तरह के फ्लैक्सी व कार्ड तथा किसी अन्य तरह का कैंप या लेटर पैड शहर अमन कमेटी के नाम से प्रयोग नहीं किया जाएगा, जिसके बावजूद भी विपक्षी गणों ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए इंदिरा चौक पर कैंप लगाया और शहर में कई जगह फ्लैक्सी लगाई। बल्कि इतना ही नहीं, शहर अमन कमेटी का खुद को पदाधिकारी बनाकर जिला प्रशासन को गुमराह किया। शहर अमन कमेटी ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर उचित जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की मांग की है। आज हम कप्तान साहब से इसलिए मिले थे कि जैसा आप लोग जानते हैं, सभी मीडिया बंधु जानते हैं कि शहर अमन कमेटी 1992 से हम चला रहे हैं। सभी धर्मों पर के दीवारों पर हम अपने कैंप लगाते हैं, पुलिस प्रशासन को अपना सहयोग देते हैं। तो एक व्यक्ति आसिफ आजाद और उसके साथियों ने हमारी कमेटी के नाम से होर्डिंगें लगा रखी थी शहर के अंदर, आई कार्ड गलत गतिविधियों के लोगों को बना के दे रखे थे, मीटिंगें कर रहे थे, मीडिया को भी गुमराह कर रहे थे, प्रशासन को भी कि हम इसके मालिक हैं। हमने अधिकारियों से उस दौर में शिकायतें करी, जब शिकायत नहीं में हम कामयाब नहीं हुए तो हमें न्यायालय में जाना पड़ा। न्यायालय से हम बाइज्जत, हमारे पास रजिस्ट्रेशन के पेपर भी थे और न्यायालय से भी केस हमारे हित में आया। उसके बावजूद भी न्यायालय को ठुकरा कर वो आज भी होर्डिंगें लगा रहे हैं, उन्होंने कैंप भी लगाया मोहर्मों पर। इसको लेकर हम आज कप्तान साहब से मिले और कप्तान साहब को हमने सारे पेपर दिए हैं और इस पर कार्रवाई की मांग की है। सीओ कटघर को उन्होंने मार किया है और सीओ साहब ने हमको अभी बुलाया, सीओ साहब मौजूद थे, उन्होंने कल बुलाया है। तो जो दूसरी लोग हैं क्या वो अवैध तरीके से अपनी संस्था चला रहे हैं? हाँ, अवैध तरीके से हमारे नाम को इस्तेमाल करना है। अरे भाई, उन्हें अगर कुछ काम करना है तो अपने नाम से बनाए, हमारे नाम को यूज़ क्यों कर रहा है? शहर अमन कमेटी का के नाम से अगर कोई भी व्यक्ति होर्डिंग या बैनर लगाएगा तो मेरी अनुमति के अलावा नहीं लग सकता, ऐसा न्यायालय ने लिख कर दिया है। न्यायालय के आदेश को भी नहीं मान रहे वो, और इसको लेकर उन्होंने अभी सीओ साहब को गुमराह कर दिया मुहर्रम के दिन। और 10 राय चौकी पे जो मेरा कैंप लगता आ रहा है 2007 से, वो मेरा कैंप नहीं लगने दिया।